पहला बड़ा खुलासा, अंजलि का शारीरिक शोषण। अंजलि की डायरी के पन्नों के आधार पर घर वालों ने इल्जाम अमित गुप्ता पर लगाए हैं। दूसरा बड़ा खुलासा, अमित का उसकी पत्नी से तलाक हो चुका है। अमित गुप्ता और उसकी पत्नी के बीच इसी साल 29 अप्रैल को तलाक हुआ, लेकिन अमित ने अब तक यह सच्चाई छिपा रखी थी। खुद अंजलि को भी अमित झांसा देते रहता था कि पत्नी से तलाक के बाद शादी कर लेगा, लेकिन पुलिस की जांच में अमित का सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। आरोपी अमित गुप्ता चालाक किस्म के हैं, शादी का प्रलोभन देकर इन्हें लंबे समय से एक कई वर्षों से साथ में रखे हुए हैं, शादी भी नहीं करना चाह रहे, और इस तरह से कहीं ना कहीं उसके शारीरिक मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉइट उनको किया गया है। इस तरह का परिजनों को लगातार आरोप इन पर रहा है, और अंजलि ने इस तरह के अपने माँ, अपनी बहन और अन्य लोगों को अपने जब जब बातचीत हुई तब बताया है। अब आपको बताते हैं अंजलि गुप्ता ने अपनी डायरी में अमित गुप्ता के बारे में क्या क्या लिखा है। मुझे वायुसेना मेस के सुरक्षा नियम तोड़ना और रात को छिपकर मिलना बहुत खतरनाक लगता था। अमित मुझे अपनी बैचलर अकोमोडेशन में देर रात ले जाता और सुबह छोड़ता था। हालांकि मुझे वहां जाना पसंद नहीं था, क्योंकि गुरविंदर नाम के शख्स ने हमें कई बार देख लिया था। बाद में हमने मेस में मिलने का फैसला किया, हालांकि वो जगह भी सुरक्षित नहीं थी। अमित ने मेस के पास पार्किंग का सिक्योरिटी कैमरा भी बंद किया था, और ऐसा करते भी उसे लोगों ने देख लिया था। अमित मेस में इन संबंधों को एडवेंचर समझता था, जबकि मुझे ये बहुत गिरा हुआ काम लगता था। चूंकि अमित खुद सिक्योरिटी ऑफिसर था, लिहाजा वो कहता था कि जब ये बात बाहर जाएगी तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि जब भी मैं शादी की बात करती तो वो टाल जाता और मुझे चुप करा देता है। अंजलि की डायरी का यह सच तब सामने आया जब दिल्ली में घर वालों को डायरी के कुछ पन्ने हाथ लगे। इसी के आधार पर अमित गुप्ता के खिलाफ अंजलि के घर वालों ने इस साल जनवरी में एयरफोर्स से शिकायत भी की थी। अंजलि ने उन पन्नों में साफ साफ लिखा है कि वो रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं है। अमित मेरे रिश्ते और भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता, वो बेहद चालाक है। हालांकि वो कहता है कि तुम मेरी मजबूरी समझो, लेकिन इसी के कारण मेरे सभी दोस्त छूट गए और मैं अकेली पड़ गई हूँ। अंजलि की मौत के बाद उससे जुड़े ऐसे तमाम दस्तावेज परिवार वालों ने पुलिस को सौंप दिए हैं, जो उसे इंसाफ दिलाएंगे।